जमूर है, तेरी बुद्धि कैसे हो गई मंद? क्यों की अकल की सारी बातें इस बोरे में बंद? तो चल मेरे छोरा, खोल दे ज्ञान का बोरा। लेकिन हजूरे आला, इस पर तो लगा है ताला। अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला? जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला। इसे मैं खोलता हूँ। घर की चाबी से खुल जाए ज्ञान का ताला, शिक्षा सबको मिले छटे अज्ञान का बादल काला, बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला, शिक्षा बन जाए जनता का बरछी भाला। नहीं बपौती नहीं विरासत, शिक्षा पैसे वालों की, सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की। गिली 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 फू। बाबूजी, बाबूजी। क्या है? अजंती आई हुई है। ये तो आई रहने दे, मैं क्या करूं? 3 दिन आ गए उसे आए तो। लक्ष्मी भी कितनी बार आके कह गई है। अरे तो मुझे काहे को सुना रही है? मैं उससे मिलने जाऊंगी। चली जा, कौन रोक रहा है तुझे? घर के काम से फुर्सत ही ना मिले। जे तू जाने तेरा काम, मेरा भेजा मत चाट। कल जो उपले रामपा लगा ले तो मैं जरा मिल आऊंगी उससे। लगवा लियो उससे। तुम्हें ही कह दो ना, मेरे कहने से नहीं करने का। बुलाओ उसे। रामपाल, अरे वो रामपाल, बाबूजी बुला रहे हैं। जे आ गया बाबूजी। कल तो उपले लगा दियो रे, सुनी नहीं? अच्छा, अरे ठीक से चल। दूल्हा राजा आवेगा, बैंड बाजा लावेगा, सखियां गाना गाएंगी, मुझको खूब सजाएंगी, टोली पे चढ़ जाऊंगी, साजन के मन भाऊंगी। अरे ऐसे मुंह फुलाने से जल्दी है जाएगा काम? अरे बस भी कर। टोली पे चढ़ जाएगी, साजन के मन भाएगी, सास के पैर दबाएगी, ससुर की गाली खाएगी, दिन भर रोटी सेकेगी, सभी को खाते देखेगी, पिया की झूठन खाएगी, भूखी ही सो जाएगी। पगली कहेगी, ऐसे भी कोई कहवे है? शादी से पहले कोई ना कहता, बाद में सब कहे हैं, हाय मेरे फूटे नसीब, शादी के बाद भी हड्डियां रगड़ूंगी, मुझे क्या पता थी। हाँ, जब तेरी शादी रहमान से हो जावे तब पूछूंगी। अरे हटरी, अरे इसे क्या है गया? जे क्यों थोबड़ा फुला बैठी है? आज इसे मत ना छेड़ो। हाँ काट खागी। क्यों? अरे क्या है गया? बसंती आई हुई है ना ससुराल से? हाँ हाँ, 2 दिन से उसके यहाँ जाने को कह रही है, पर घर के काम से फुर्सत ही ना मिल रही। आज इसके बाऊजी ने कही थी कि उपले रामपाल लगा लेगा, तू बसंती के हो आई हो, पर वो मना तो पेट दर्द का बहाना करके पड़ गया। अब आज भी इसे टाइम ना मिलने का, जली भुनी बैठी है। जब से इसकी अम्मा बीमार पड़ी है ना, ये बेचारी घर में ही फंसी रहे। बेचारी। अरे सुन, आज जब मैं फेरी लगा के आऊंगी तब इसके घर चलेंगे। पर मेरे को तो पढ़ने जाना है। हाँ तू पढ़ने जा, इसकी अम्मा को मैं मना लूंगी। जरा सी देर बसंती के घर चली गई तो लंका ना ढह जाएगी। कमला बाजी घर पे हो? अरे ले, तेरी मौसी आ गई। आजा सरपी आजा।
ओहो, तो बेटे राजा भी अम्मा का हाथ बता रही है। तूने क्या समझ रखा है? अरे गंगा ने स्कूल जाना शुरू कर दिया तो अम्मा के काम थोड़ी रुक जाएंगे। हमारा हीरा लाल तो सब काम करा ले। वो तो मुझे पता है। अरे पूरे दलान की झाड़ू दी आज। अच्छा? हाँ, और नहीं तो का? शाबाश। घर के काम करने में अपने बापू से पीछे थोड़ी है। वो जो चौका पोतेंगे तो जे भी पोतेगा, वो जो लकड़ी बीनने जाएंगे तो संग संग हमारा हीरा लाल भी जाएगा। जे तो सब ठीक है बेटे जी, पर बाहर के कामों में भी अपने अम्मा बापू जैसे बन के दिखाओ तो मानेंगे। अरे तुझे ना पता है, हाथ उठा उठा के नारे लगाए। अरे दिखा मौसी को कैसे कर रहा है। अरे दिखाना किसान सवाल, जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्मा रहा है। शाबाश। बाजी, अभी गोशाले में मूर्ति मिली थी मुझे, उससे बात करते करते ख्याल आया मुझे, मैंने कहीं कमला बाजी की राय ले लूं। घर में जो बिन ब्याही लड़की होती है ना बाजी, उसकी बड़ी आफत रहती है। मतलब जे कि लड़के या तो कुदकड़े मारते फिरें या पढ़ने चले जावें, ज्यादा किया तो डंगर चराने चले गए, पर बड़ी लड़की तो सारे दिन घर में जूती रहवे, सारा काम उसी के सर आके पड़े। अरे बात तो तू ठीक कह रही है। मैं नू कह रही ही कि बड़ी लड़की की जो दुर्दशा होवे है उस पर हमें गाना बनाना चाहिए। अरे बड़ी जोरदार बात सोची, सच्ची बना दे गाना। बना तो लूं, पर तुम भी तो मदद करो ना, जैसे पहले सब लिख के दिया। भाग के जरा कॉपी पेंसिल लेके आइयो। है ना मुँह पे सौदे का हिसाब किताब रखने लगी हूँ। अरे बड़ी अकलमंदी करने लगी। अच्छा चल सोच, क्या होना चाहिए गाने में, ये मूर्ति के बारे में बता, क्या क्या करे दिन भर में। मुन्ना को संभाले और पानी भर के ला है। अरे अरे तू एक मिनट ठहर जा। देख, नई किताब आई, सुशीला आजकल इसी से पढ़ा रही है। इसमें तो पूरा पाठ ही बड़ी लड़की के ऊपर है। कला की बड़ी लड़की कमला। कमला? अरे बाजी यहाँ तो तुम्हारा नाम लिखा है। अरे मेरा ही ना, मेरी तो अम्मा का भी लिखा है। कहाँ? अरे अभी तो पढ़ा तूने। कहाँ? अरे ये कला, और कलावती तो नाम था मेरी अम्मा का। अरे बाजी ये तो कमाल है गया। अरे कमाल क्या है, कुछ इत्तेफाक है। ये किताब पढ़ के तो लगे जैसे कहीं कहीं किसी ने मेरी कहानी लिखी। अच्छा खैर छोड़, जय देख तेरे मतलब की है कि ना। कला की बड़ी लड़की कमला, कमला बालक रखती। अपनी मूर्ति भी तो शाम सवेरे मुन्ना को उठाए उठाए डोलती फिरे बेचारी। पानी लाती। हाँ जे भी सही है, सवेरे उठते ही पहला काम कुआं पे जाकर पानी भरो, जरा सी जान चाचा फेरे लगाने पड़े। लकड़ी बीन कर लाती। बीन कर? अरे बाजी पेड़ पे चढ़ के तोड़ तोड़ के लानी पड़े, ताल पे खरीदने के कहां पैसे हैं उन पे। बीमार माता का काम करती, हर तरह का काम करती। और कौन करेगा, वहां तुम्हारे घर जैसा तो रिवाज है ना कि लड़के भी काम में हाथ बटाएं, वहां तो सारा काम लड़की के सिर पे ही आके पड़े हैं। जैसे सब घर वैसा ही मूर्ति का घर। अरे तो हमारे यहाँ कौन सा रिवाज था, मैंने ना किया अपने बचपन में सारे कुंबे का काम। अरे भाई हमारे तो कभी किसी काम को हाथ ही ना लगाते थे, मजाल है। खाली ना रह पाती। जे खूब कही। अरे खाली कहाँ से रहेगी, चौका बर्तन करना पड़े है, झाड़ू पोंछा है,
कपड़े धोने उपले थापने चूल्हा चक्की एक काम हो तो गिनाऊ भी, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती, खाली रहेगी। अरे नाराज होने के बजाय जे देख कि कितनी सारी बातें लिखी है जरा से ऐसे पार्ट में, अरे गुस्सा होती रहेगी तो गाना कैसे बनाएगी तू? जे मत कहो बाजी, जब तक मुझे जोरों से गुस्सा नहीं आता तब तक मैं गाना नहीं बना पाती। अरे बावरी, अरे तेरी तो हर बात अनोखी है। अच्छा चल, तू चाहे नाराज होके बना और चाहे नाच कर बना, ये पार्ट अपने पास उतार ले, इससे तुझे सारी बातें याद रहेंगी, बस पढ़ पढ़ के अपने गुस्सा होती रही और गाना बनाती रही हो। कला की बड़ी लड़की कमला, खूब बढ़िया गाना बनाइयो। बढ़िया घटिया तो तुम जानो, मैं तो सच्ची सच्ची बात लिख दूंगी। माँ बाप के घर में कन्या हो करके जन्माए, नहीं भाग में उसके बचपन, उसे नहीं कुछ सुख मिल पाए।
के हाथ मुंह ना धो सको, सारा मटका खाली करके रख दिया। हर बखत चक चक मत किया करे। अभी अभी पढ़ लिख कर आए हैं छोरा, उन्हें कुआं पे जाने को कह रही है। अरे खत्म है गया तो जा भर लाओ। और मैं ना जाती। मैं ना जाती। बाजी सलाम। सलाम असरफी, आ बैठ। हे मूर्ति, बसंती के चल रही है, मैं वहीं जा रही हूँ। तू हुआ असरफी, अभी इसे तो इतना काम पड़ा है। थोड़ी देर बैठा गई। देख असरफी, मैं खाट से उठ ना पा रही, पर ना और कोई बात ना है, दो चार दिन में भली है जाऊंगी, फिर इसे इतना काम ना रहेगा। बस उससे मिल के चली आएगी बाजी, देरी की तो कोई बात ही ना है। क्यों बसंती कोई भागे जा रही है? अरे बच्चा होने तक तो यही है, तू मिलिया उससे, जब बाद में चली जाएगी। चल बेटी, छोरों ने खाना खा लिया होगा, तू बर्तन रगड़ दे। चल। बात पे कहीं रोया करें, चल चुप हो जा, शाबाश। तीन दिन से कह रही हूँ बसंती के जाऊंगी, बसंती के जाऊंगी। लक्ष्मी भी दो बार आके कहती, इतना तो होता ना उस मुस्टंडे से कुछ काम करवा ले। सारे दिन में एक दिन का भी तोड़ के ना देते। मूर्ति पानी भरला, मूर्ति रोटी पका दे, मूर्ति बीजर पीस, मूर्ति जेकर, मूर्ति भोगर, मूर्ति। पढ़ लिख के ही किस्मत को बदल पाएगी औरत, पढ़ लिख के साथ मर्द के चल पाएगी औरत। औरत जो पढ़ गई तो वो दब कर न रहेगी, हरगिज़ नए समाज के जुल्मों को सहेगी। पढ़ने के हक को पाने की औरत ने है ठानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी। जमूरे, तेरी बुद्धि कैसे हो गई मंद, क्यों की अकल की सारी बातें इस बोरे में बंद। तो चल मेरे छोरा,
खोल दे ज्ञान का बोरा। लेकिन हजूरे आला, इस पर तो लगा है ताला। अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला, जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला। इसे मैं खोलता हूँ।